हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक हियर विद वेरी डिलीशियस रेसिपी। चॉकलेट मूस विद एडिबल कप बनाएंगे आज। जितना डिलीशियस लगता है खाने में, इसको बनाने का तरीका उतना ही इंटरेस्टिंग है। तो रेसिपी को पूरा देखना, पसंद आए रेसिपी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन हिट कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको आती रहे आने वाले वीडियोज की। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप नंबर वन, बना लेंगे गनाश। तो मैंने एक सॉस पैन में ऐड करी हूँ क्रीम। मैं यहाँ पे दूध के ऊपर की मलाई यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अमूल की फ्रेश क्रीम या फिर व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी। क्रीम थोड़ी गर्म होते ही इसमें ऐड कर देंगे चॉकलेट। मैंने यहाँ पे डार्क कंपाउंड यूज़ की हूँ। जितना आप क्रीम लोगे उससे डबल क्वांटिटी में आपने चॉकलेट लेना है। इसको मिक्स कर लेंगे, चॉकलेट मेल्ट होने तक वेट करेंगे। चॉकलेट मेल्ट होते ही गनाश बनकर रेडी हो जाएगा, तो इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे गनाश मेरा बनकर रेडी है, तो इसको मैं अब ठंडा कर लूंगी। स्टेप नंबर टू, बना लेंगे मूस। तो व्हिपिंग क्रीम को मैं बहुत अच्छे से व्हिप करके रखी हूँ हैंड बीटर की मदद से। अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ गनाश, जो कि ठंडा करके ऐड करना है, गर्म गनाश ऐड नहीं करेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से, कुछ इस तरह। कट एंड फोल्ड मेथड ही यूज करेंगे। तो मूस भी बनकर मेरा रेडी है। स्टेप नंबर थ्री, बना लेंगे कप। तो यहाँ पे मैंने चॉकलेट को मेल्ट करके रखी हूँ। मैंने यहाँ पे मिल्क कंपाउंड यूज की हूँ। चॉकलेट को मेल्ट करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मेरे मोदक वाले वीडियो में। ये जो पेपर कप्स आते हैं, इसमें हम लोग अब एडिबल कप बनाएंगे चॉकलेट के। तो इसमें पहले चॉकलेट पोर कर लेंगे, कुछ इस तरह। मैं स्क्रीन पे पूरा बता रही हूँ, आप लोग सेम मेथड फॉलो करना। जितना थिक लेयर लगाओगे उतने अच्छे से चॉकलेट बाहर आएगी, मीन्स डीमोल्ड होगी। अब इसको फ्रीज कर लेंगे 7 to 8 minutes के लिए। 7-8 minutes के बाद कुछ इस तरह दिखेगी चॉकलेट। अब इसको डीमोल्ड कर लेंगे। बहुत हल्के हाथों से इसको करेंगे डीमोल्ड, तो ये बहुत इजीली बाहर आ जाती है चॉकलेट। अब मैं पहले कप में स्पॉन्ज ऐड कर रही हूँ। जो टी टाइम केक आता है उसको मैं क्रम करके रखी थी, वही ऐड करेंगे। अब मैं पाइप कर रही हूँ मूस को, आप लोग स्पून से भी ऐड कर सकते हो। अब हेजलनट से गार्निश कर लेंगे। तो मेरा चॉकलेट मूस विद एडिबल कप बनकर रेडी है। तो कैसे लगा ये रेसिपी आपको, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।